अंदरों बंदा गल लिखदा पे आए आंदा है जड़ा 21 दा हिंसा साढ़े अंदरों गुजर रहा है, ए जड़ा 1921 दा साल साढ़े अंदरों गर्दिश करदा चला जा रहा है। मेरा दिल करदा है कि मैं अगले 100 साल बाद भी दुनिया के अंदर जिंदा रहा। अगला यानी 2021 दा जड़ा साल आएगा, मेरा दिल करदा है कि मैं इहदे अंदर भी जिंदगी गुजारा। अगे लिखदा है मैं जानना वा कि अगले 100 साल बाद मेरी जिंदगी नहीं रहनी, मैं जानना वा मेरी कबर बन जाएगी, मैं जानता वा मेरे जिस्म नू लोग जड़ाब कीड़े मकोड़े खा जाणगे, मैं ये भी जानना वा मेरी कबरां दे निशान मिट जाणगे। हजरात गल लिखण वाला लिखदा है कि ए जड़ा जनाब 21 वाला हिंदसा मेरी जिंदगी अंदर दोबारा आ जाए। अज 2021 दा साल गुजरे आए, साडा भी जी करदा कि असीं 100 साल तक अगे जिंदगी गुजारीए। अगे यानी अगली बार जड़ा 21 दा हिंदसा आएगा, साडे अयाम उदे अंदर भी साडी जिंदगी गुजर रही होए, साडी सेहत इसी तरह कामिला ते आजला होए। हजरात पर असी सारे जानने आ, सानू सारिआं नू पता है कि असी अगले 100 साल तक जिंदा नहीं रहना, साडियां कबरां दे निशान मिट जाणे ने, साडियां कबरां तो मट्टी जनाब खत्म हो जाएगी, साडे वजूद नू कीड़िआं मकोड़िआं ने खा करके जनाब चलिआ जाणा है। सानू इस वास्ते मैं पैगाम देना चाहना वा, साल गुजरन दी खुशी मनान वाले हो, साल गुजर जान तो बाद न्यू ईयर नाइट मनान वाले हो, अपनी जिंदगी दे अंदर साल दे गुजर जान तो बाद पार्टियां करके दावतां करके लोगों नू बुलान वाले हो। तालबे इलम दा पैगाम नोट करके ले जाया जे, सजदे सारी जिंदगी करते रहने, दिन सारी जिंदगी बदलते रहते ने, साडी जिंदगी क्यों नहीं बदली, साड़ी जिंदगी अंदर नेकियां क्यों नहीं आईया। असी से जनाब 2021-20 दे अंदर भी असी दाढ़ी नहीं सी रखी, अज साडे चेहरे ते साल गुजर गया दाढ़ी नहीं आई। हजरात 2021 दा साल गुजरिया, असी इस साल दे अंदर लोगां नाल ज़्यादतियां कीतियां ने, असी इस साल दे अंदर लोगां नूं गालियां निकालियां ने, इस साल दे अंदर असी लोगां नूं ताने ते मेने दिते ने, इस साल दे अंदर साडी जिंदगी दे कई यतीम लोग आए ने पर असी उन्हां दा सहारा नहीं बने। इस साल गुजर गया असी नमाज़ां 5 वक्त दियां अदा नहीं कीतियां, साल गुजर गया असी अल्लाह दी राह दे अंदर सदका खैरात नहीं कीता, की फायदा जे 2022 आ गया है, इस साल दे अंदर भी असी दाढ़ी ना रखिए ते की फायदा साल बदलण दा। अगर जनाब 2022 आ गए है असी इस साल अंदर भी किसी यतीम की कफालत ना करिए ते की फायदा। इस जनाब 2022 आ गया है, इस साल गुजर गया है, अगर असी 5 वक्त की नमाज के पाबंद ना बनीए तो की फायदा है। 2022 के साल के अंदर अगर असी अपनियां गलतियां की लिस्ट बना करके, अगर असी अपने गुनाहों की लिस्ट बना करके असी अपनियां गलतियां नू खत्म ना करिए तो की फायदा होना है। तिल कल अयाम नुदा विलुहा बैन नास, ये अयाम हर बारी बदलते रहने ने, ये साल हर साल बदलता रहना है, हर साल न्यू ईयर नाइट मनाई जाएगी, हर साल लोगों के अंदर तब्दीलियां आ जाएगियां। हजरात इस वास्ते साल के गुजरन के नाल खुशियां ना मनाया कर, साल के गुजरन के नाल एवें पार्टियां ते दावतां ना करिया कर, एवें रब नूं नाराज ना करिया कर, बल्कि सोचिया कर के यार मेरी जिंदगी का साल गुजर गया है, मेरी जिंदगी का साल गुजर गया है, मैं अगले राह भी जाना है, मैं कबर अंदर भी जाना है, मैशर दे मैदान अंदर भी जाना है, पता नहीं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर की बनेगा, पता नहीं कबर दे मुआमलात अंदर की बनेगा। मैं ते अगे क्या करना वा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत व इन्नमा तुवफ्फौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद अंदर फरमाया है, ओ दुनिया की जिंदगी गुजारण वाले मो
मोमनो मुसलमानो ईमान वाले हो ऐ जड़ी दुनिया दी जिंदगी तुसी जी रह जेना ए जिंदगी दे अंदर तुसी सदा नहीं रहना ऐ जिंदगी दे अंदर तुसी सदा जनाब बाजियां नहीं मारनी ऐशो इशरत ते आराम दे ठिकाने नहीं रहने अयाम गुजरते रहने ने साल बदलते रहने ने कोई आएगा इस दुनिया दे मैखाने अंदर कोई चला जाएगा दुनिया दे मेले छोड़ करके कोई आएगा दुनिया दे अंदर जिंदगी लै करके कोई जा रहे है दुनिया दे अंदर जिंदगी खत्म करके किसी दे घर दे अंदर बच्चा पैदा हो रहे है किसी दे घर दे अंदर जनाब जनाब मैयत नू उठाया जा रहे है किसी दे घरों शादियां दे सहरे पे बनते ने किसी दे घरां दे अंदर मैयतां नू दफनाया जा रहे है ये अयाम गर्दिश करते रहने ने ये अयाम बदलते रहने ने तालबे इलम दसना चाहते हैं अयाम गुजर जान अजाम बदल जान पर तुहाडी जिंदगी भी बदल जाए अयाम गुजर जान तुहाडी जिंदगी दे अंदर अल्लाह दा खौफ पैदा हो जाए अल्लाह कुराने मजीद अंदर फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदे वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून किधरे कुरान तेनू ते मैनू तरबीयतां दे रहे हैं नसीहतां कर रहे हैं तेरा मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा मेरा पैदा करने वाला खालिक कुरान मजीद के अंदर नसीहत इंसान नू कर रहे हैं ते डरांदियां होया अल्लाह फरमांदे ने कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम ओ दुनिया के अंदर मन मर्जियां करने वाले नौजवाना दुनिया के अंदर अल्लाह दियां नाफरमानियां करने वाले नौजवाना दुनिया के अंदर अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारण वाले ऐ जहान ते सदा नहीं रहना ए जहान ते सदा नहीं रहना इस दुनिया के अंदर अगर कोई जात बाकी रहेगी तो अल्लाह की जात रहेगी इस दुनिया के अंदर अगर किसी ने बाकी रहना है तो मेरे मालिक ने बाकी रहना है ये दुनिया लंघ जानी है बेनमाजियां जिंदगी गुजर जानी है ओ जानियां जिंदगी गुजर जानी है शराबियां जिंदगी ते लंघ जानी है ओ लोगों का माल धोखे नाल खाण वाले आ जिंदगी ते गुजर जानी है यतीमा नाल हुस्ने सलूक ना करने वाले जिंदगी गुजर जानी है कुल्लु मन अलैहा फान ओ बंदे आ जहान उते करी ना गुमान ओए सदा नहीं ओ रहना इथे किसे इंसान ओए बंदे आ जहान उते करी ना गुमान ओए सदा नहीं ओ रहना इथे किसे इंसान ओए ते बड़े बड़े राजिया मौत ने न छोड़िया जिंदे उते दिल आया ओयो फुल तोड़िया हरे भरे बाग कई हो गए वीरान ओए सदा नहीं ओ रहना इथे किसे इंसान ओए एवें बंदा समझदा है हले मेरी जिंदगी दे 20 साल गुजरे ने हले ते मैं 100 साल जिंदगी गुजारनी है हले मेरी जिंदगी दे 30 साल गुजरे ने हले ते बड़ी उम्र पई है हले ते वाल सफेद होणगे हले ते बीमारियां आनियां ने हले ते मैं बिस्तरे मरग ते लेटांगा फिर इबादतां कर लवांगा हले ते बड़ी जिंदगी पई है जो चलन फिरन तो काशी राह जावांगा फिर कुर्सी ते बह करके इबादत कर लांगा अल्लाह दी कसम ऐ जड़े बुढ़े बुजुर्ग लोग चिट्टियां दाढ़ियां वाले ऐ जो कुर्सी ते सजदा करन इन्हां कोलों जाके पुछया करो कि यार सजदा ते जमीन ते नहीं कर सकते ये जमीन ते झुक करके अपने जनाब मत्थे नूं जमीन ते नहीं ला सकते इन्हां नूं पुछिए ना तुहाडा दिल करदा कि नहीं करदा आंदे ने कारी साहब जी बड़ा करदा जमीन ते सर रखण नूं
दिल बड़ा कर दे जमीन ते सजदे करन नू पर अज सेहत इजाजत नहीं दे रही, अज साडी उम्र सानू इजाजत नहीं दे रही, अज साडी सेहत अंदर फर्क आ गया है। और नौजवाना अल्लाह ने तेनू सेहत वाली जिंदगी अता फरमाई है, इतना गबरू जवान है फिर भी मालिक दे सामने आ करके झुकन लई राजी नहीं, फिर भी अल्लाह दे सामने सजदा करन ते राजी नहीं। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांच चीज़ां मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाइया ने कि इन्हां नू पांच चीज़ां तो पहले पांच चीज़ां नू गनीमत जान लो। आमीना दे लाल ने फरमाया सेहत है बीमारी तो पहले इनू गनीमत जान लो। अगर तुहानू अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दिती है सेहत दिती है फिर उस वक्त तो पहला इबादत करना शुरू कर दो कि तुहाडे ते बीमारी आ जाए, सजदा करन तो कासिर हो जाओ, अल्लाह दे सामने हाथ बनन तो कासिर हो जाओ, मालिक दे सामने रकू करन तो कासिर हो जाओ। आमीना दे लाल फरमांदे ने जेड़ा बंदा इस सेहत वाला है तंदुरुस्त इंसान है इस बंदे नु चाहिदे अपनी सेहत दे अंदर अल्लाह दियां इबादतां करन वाला बन जाए, अपनी बीमारी तो पहला अपनी सेहत नु गनीमत जान ले। दूसरी बात मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने अपने फारग वक्त नु मसरूफियत तो पहला गनीमत जो समझ लो, अपने फारग वक्त तो फायदा उठा लो, फारग वक्त अंदर कुरान दियां तिला कर लिया कर, फारग वक्त अंदर रब नू बह करके याद कर लिया कर। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हाय मेरी माँ आयशा, प्यारी माँ सिद्दीका कायनात आयशा, जिन्होंने जिंदगी भी रोज़ा तुम मेरे हाजिल जन्ना अंदर गुजारी है, जिन्होंने अरशा तो रब दा सलाम भी आया कर दे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन घर अंदर बैठिया ने, फारग बैठी ने ते मेरे महबूब पैगंबर आए ने, आके वेखिया ना सैयदा आयशा रोंदियां ने पईयां, अखां चो आंसू आ रहे ने। आ फरमांदे ने मायूब की किया आयशा, ऐ आयशा केड़ियां गल्लां ने तेनू रोवा दिते, ऐ आयशा केड़ियां गल्लां ने तेरियां अखां दे अंदर आंसू लिया दिते ने। सैयदा फरमांदियां ने, सिद्दीका फरमांदियां ने, मेरे पैगंबर दी ज़ोजा मोहतरमा फरमांदी है ज़कर तो ना महबूब जी मैं बैठी सा ते मेरे जहन अंदर जहन्नुम दी आग दा जिक्र आ गया है, मेरे जहन दे अंदर जहन्नुम दियां तड़पा आ गईया ने, ते मैं फरमांदियां ने फबकई तू या रसूल अल्लाह। महबूब जी जहन्नुम दा तज़करा वेख करके मेरी अखां चो आंसू आ गए ने, कदी तू भी कल्ला बह के आंसू बहाया के नहीं बहाया, कदी तुसी भी तनहाई दे अंदर जहन्नुम नू याद कीता के नहीं कीता, कदी तुसी भी तनहाइयां अंदर बैठ करके मेरे मालक नू याद कीता के नहीं कीता, कदी रात दियां तरीकियां दे अंदर तुसी भी मालक दे सामने सजदे कीते ने के नहीं कीते। हज़रात तीसरी बात मेरे पैगंबर फरमांदे ने जिंदगी नू गनीमत जान लो कबला मौत ही का, इस तो पहले के तुहाडी मौत आ जाए। आमीना दे लाल फरमांदे ने अपनी हयात नू इस तो पहले गनीमत जान लो, इस तो पहले के तुहानू मौत आ जाए। और मैं पढ़िया पैगंबर अलैहिस्सलाम आप दे सीनाए पाक दे नाजल होने वाली कुरान किताब अंदर मैं पढ़िया अल्लाह फरमांदे ने ऐ जड़े बंदे दुनिया दे उत्ते नाफरमानियां करन वाले ने, दुनिया दे उत्ते अल्लाह दियां इबादतां नहीं करदे, मालिक नू राजी नहीं ना करदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलो उतरा ए जिल मुजरिमो ना किसूर ओ सेम इंदा रब्बिहिम रब्बाना अबसरना वसमेना फरजना नामल सालिहा। अरशा वाले अल्लाह फरमांदे ने जदो क्यामत दा दिन आएगा जदो मैं जहन्नुम ते जन्नत नू बुला लियांगा ना, ते ए जड़े नाफरमान लोग ने ए जड़े
दुनिया के अंदर ना फरमानिया करने वाले कहणगे अरशां वाले असी अज अपनी अख नाल जहन्नुम दे नजारे वेख लैने अल्लाह असी अपनी अख नाल अज जहन्नुम दे अजाब वेख लैने अरशां वाले एक बारी दुनिया से वापस भेज दियो असी तुहाडे कदी भी तुहाडी ना फरमानी नहीं करांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमानगे ओ बंदियो दुनिया के अंदर तुहानू मोहलत भी मिली है पर तुसी मेरी इबादत नहीं की। दुनिया के अंदर तुहाडे कोल मेरे नबी भी आए ने पर तुसी मेरी इबादत नहीं लगे। दुनिया के अंदर मैं उलमा नू स्टेजा ते चढ़ा करके तुहाडे कोल तबलीग पहुंचाई है पर तुसी इबादतां ते नहीं लगे। अज अल्लाह फरमानगे तुहाडे लई कोई इजाजत नहीं है ना वापसी की इजाजत ना मुआफी की इजाजत। की फायदा होएगा जदों अल्लाह की बारगाह के अंदर जाके रोवांगे कुरलावांगे कि अल्लाह एक बारी दुनिया के उत्ते भेज दे इस तो बाद कभी असी ना फरमानी नहीं करांगे। आज अल्लाह ताला ने मोहलत दी है 101 चक दे रहने वाले अल्लाह की कसम है अखा मीट लो अखा बंद हो जान सा खत्म हो जान ये डोरी सामा वाली टुट जाए ना रिश्तेदार नेड़े लगते ने ना ये माल तुहाडा कमाया तुहाडे नेड़े लगेगा ना दुनिया के अंदर जाना देण वाले यार सजन बेली नेड़े लगते। आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आमिना दे लाल फरमांदे ने तीन चीज़ा बंदे दे नाल जांदियां ने कबर तक तीन चीज़ा जांदियां ने फरमाया अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। तीन चीज़ा बंदे दे नाल जांदियां ने पहला ते उदे अहलो अयाल जांदे ने रिश्तेदार जांदे ने दूसरा उदा माल भी बंदे दे मैये दे नाल लाल जांदा है तीसरी चीज़ फरमाया व अमलुहु उदे अमाल भी बंदे दे नाल लाल जांदे ने ते मेरे महबूब फरमांदे ने फर्ज दो चीजा वापस आ जांदियां ने दो चीजा वापस पलट जांदियां ने एक चीज उथे रहिंदी है। फरमाया यार जियो अहलुहु अमालुहु अहल भी वापस आ जांदा है रिश्तेदार भी वापस आ जांदे ने यार सज्जन बेली भी वापस आ जांदे ने माल भी वापस आ जांदा है। फरमाया बाबा का अमलुहु उस बंदे दा जड़ा अमले ओ उन्दे नाल नाल जांदे है। हुण मैं जरा तुहानु गल करना चाहना वा असी अपने रिश्तेदारां दे पिछे ना फरमानियां करने आं असी अपने यारां सजणां दे पिछे दुनिया दे अंदर अल्लाह दियां इबादतां नूं छोड़ दिंदे आं। अल्लाह फरमांदे ने महबूब पैगंबर ने फरमाया तुहाडे यार बेली वापस आ जाणगे तुहाडे सजण साथी तुहानू दफना करके वापस आ जाणगे। दूसरी चीज़ असी माल दे पिछे लोगां नूं कतल कर दिंदे आं असी माल दे पिछे अपने जनाब बड़े बड़े करीबी रिश्तेदार गवा बैने आ असी मालो दौलत दे पिछे लोगों नू झूठ बोलने आ फराड करने आ धोखेबाजी करने आ ना साडा माल साडे नाल जाएगा ना मालो दौलत दे नाल आहलो अयाल साडे नाल जाएगा जाएगा ते साडा अमल जाएगा ते वो अमल असी करदे ही नहीं। साडी बेहिस्सी देखो के मालो दौलत ने भी कबर तो वापस आ जाना है रिश्तेदारों ने यारा बेलियां ने भी वापस आ जाना है असी दुनिया के अंदर इन्हां दोवां दी अहमियत ज़्यादा रखी है और जेड़ा अमल साडे नाल कबर अंदर जाएगा नू असी समझे ही कुछ नहीं। असी समझने भी हले उम्र जवानी दी है 40 साल उम्र हो ये हले तो बड़ी उम्र पई है बड़ा जनाब वक्त पे है माल भी कमा लो रिश्तेदारों नू भी राजी कर लो अमल फिर करते रहांगे। ये नहीं पता कि इस दुनिया के अंदर असी एक मेहमान की हैसीयत ना लाए एक मेहमान बन करके दुनिया के अंदर असी आए हाँ और जो बंदा किसी के घर के अंदर मेहमान जाए तो सदा रहने लिए नहीं जाता किसी ना किसी दिन वापस पलटना होंगे कभी ना कभी वापस अपने घर के अंदर आना होंगे तो साडा भी घर ये दुनिया नहीं आखरत है तो असी अपने घर के अंदर जाना है। कोई पता नहीं कि आज चले जाइए कल चले जाइए आज अगर जिंदे हाँ तो कल पता नहीं मर जाना है। हजरात मेहमान की तरह जिंदगी गुजारो इस जग विच बंदिया परौना है तू आया
परोणियानू जाना पैंदा है इस जग विच बंदिया परोणा है तू आया परोणियानू जाना पैंदा है तेरे अमला ने तेरे अमला ने रहना है बकाया परोणियानू जाना पैंदा है अखा नाल वेख लिया आप मैं नजारा है अखा नाल वेख लिया आप मैं नजारा है टुर गया मेरे कोलो मेरा यार प्यारा है टुर गया मेरे कोलो मेरा बाप प्यारा है मैं ते आप हथी दफनाया ते दिल नू बड़ा समझाया परोणियानू जाना पैंदा है इस जग विच बंदिया परोणा है तू आया परोणियानू जाना पैंदा है पुछो ना मावानू ओना दा की हाल है टुर गया जिन्ना कोलों सोना प्यारा लाले ओना मावा वी दुख सीने लाया परोणियानू जाना पैंदा है इस जग विच बंदिया परोणा है तू आया परोणियानू जाना पैंदा है अल्लाह फरमांदे ने कुल नफ्सिल ज़ाइकतुल मौत व इन्नमा तुवफ्फौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अन्निन्नार व उद्खिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातु दुनिया व मल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर अल्लाह फरमांदे ने और दुनिया दी जिंदगी दे अंदर गफलत अंदर डुबिया मुसलमाना ए दुनिया धोखे दा समान है ए दुनिया ते धोखा ही धोखा है फायदे वाली जिंदगी नहीं है अल्लाह जी फायदे वाली जिंदगी केड़ी है कामयाबी वाली जिंदगी केड़ी है अल्लाह फरमांदे ने फमन ज़ुहज़िहान नार जड़ा बंदा जहन्नुम दी आग तो बचा लिया जाएगा जड़ा जहन्नुम दे अज़ाब तो बचा लिया जाएगा असल अंदर ए बंदा कामयाब है व उदखिलल जन्नत जन्नत अंदर दाखिल कर दिता जाएगा असल अंदर ते कामयाबी है वे असल अंदर ते कामयाबी है ते कामरानी इनू किया जांदा है असी समझने मालो दौलत कमा लईए कामयाब हो जावांगे असी जनाब डिग्रियां हासिल कर लईए कामयाब हो जावांगे असी बैंक बैलेंस बढ़ा लईए असी कामयाब हो जावांगे साडी जिंदगी दा मियार है साडी जिंदगी दे असूल ने असी गड्डी लै लईए ना ते कामयाब समझ लैने लेकिन अल्लाह फरमांदे ने चलो ए कामयाबी नहीं ए कामरानी नहीं इनू तगमा नहीं किया जाता कब तगमा ते कामयाबी ते इदा नाम है के बंदा कबर अंदर जाए कबर अंदर भी आराम मिल जाए बंदा मैशर दे मैदान अंदर जाए ते अल्लाह दे अरश दा साया मिल जाए बंदा पुल सरात तो नंगे ते बिजली जैसी तेजी दे नाल गुजर जाए बंदा कल कियामत दा दिन होए असल कामयाबी है वे के बंदे दे दाएं हाथ दे अंदर नामे माल मिल जाए ए है असल कामयाबी एक कामरानी है कि जिस दी खातर असी दुनिया के अंदर आया हजरत आदम अलैहिस्सलाम साढ़े वाले एक गलती इन्हां कोलों हुई है सारी जिंदगी अल्लाह ताला कोलों उस गलती की दुआ मंगते रहे और असी कितनियां गलतियां कर लैने साढ़े गुनाह बड़े ज्यादा पैरां दे नाखुन तो लै करके सिर दियां वाला तक गुनाहों की दल दल के अंदर फंसे हुए असी मुसलमान लेकिन असी अल्लाह रब्बुल आलमीन दा डर कदी दिल अंदर नहीं रखे असी उन्हां पत्थरां नालों भी ज्यादा सख्त हो गए हैं जिन्हां पत्थरां दे विचों अल्लाह दे खौफ दी वजह तो चश्मे बया करदे जिन्हां पत्थरां दे विचों अल्लाह दे डर दी वजह करके पानी बहिंदा है ए ओ पत्थर ने जड़े अल्लाह दी खौफ दी वजह तो रो रहे ने लेकिन अफसोस दी बात है कि साडे दिल उन्हां पत्थरां नालों भी ज्यादा सख्त हो चुके ने मालिक दे सामने रोना ही नहीं आता
अल्लाह दे सामने अपने गुनाहों नूं याद करके दिल नहीं कंबदा, कलेजा नहीं फटदा। तो हजरात, दुनिया दे अंदर असी अपनी आखरत की फिक्र ले आए, और एक बात और याद रखे अजे, ये मौत ऐसी अटल हकीकत है कि इहदे तो छुटकारा कोई नहीं, इहदे तो मुआफी किसी सूरत अंदर नहीं मिल सकती, मोहलत नहीं मिल सकती। जो सावा वाली डोर का वकत आ जाने, अल्लाह की कसमे फिर जान नहीं छुटनी। अल्लाह फरमांदे ने कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। अल्लाह फरमांदे ने जो मौत का वक्त आ जाएगा, जो सावा वाली डोर टुटन का वक्त आ जाएगा, फिर किसी भी सूरत नाल मौत तो माफी नहीं मिलेगी, फिर मौत तो भजन का रास्ता नहीं मिलेगा। और तुसी वेखते नहीं हो, जो मौत का वक्त किसी के करीब आ जाए, जो मौत का वेला किसी के करीब आ जाए, जो जनाब किसी का नौजवान पुत्र से मौत का वक्त आ जाए, माँ से बाप सराने आके बह जाते ने, बीवी बच्चे पैरां वाली साइड ते आके बह जांदे ने, वेखदे आ ना अपनियां अखां नाल, साडा ते यार सज्जण वेली खड़े हुंदे ने। हज़रात, हर बंदा रो रहा हुंदा है, हर बंदे दी अखां चो आंसू जारी हुंदे ने, मां अपनी जगह ते रो रही हुंदी है कि अल्लाह मेरी जिंदगी इस पुत्र नूं ला दे, पर मेरे पुत्र ते मौत ना आए। मां रो रही हुंदी है, आंदी अरशां वालिया सारियां दौलतां मेरे इस पुत्र ते लग जाण पर इहनूं मौत ना आए। बाप अपनी जगह ते परेशान हुंदा है, अल्लाह सोने मैं बुढ़ा हो गया वा, अरशां वालिया ऐ पुत्र मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने वाला है, अल्लाह सोने मैनू मार दे पर मेरे पुत्र ते मौत दा वक्त ना आए। यार सज्जन बेली सामने खड़े ने, जड़े दुनिया के अंदर अपने यार सज्जन के कपड़िया से मिट्टी भी नहीं लगन देंदे, जड़े किसी जनाब झगड़े के मैदान अंदर जो यार दा किधरे झगड़ा बन जाए तो अपनी जान लुटाण से आ जाते ने, अज ये भी अखां चो आंसू बहा रहे ने, दौड़िया दौड़िया हकीमां दे कोल जांदे ने, डाक्टरां नूं बुला करके ले आया जांदे है, आओ ना हकीमो डाक्टरो साडे यार नूं बचा लो, अज साडे यार दी जान हंसली दे अंदर आके फस गई है, अज जान नहीं पे निकलदी, अज जनाब परेशानी दा मामला बन गया है। लेकिन की करिए, तकदीर अंदर ते मौत लिखी है, वक्त अंदर ते मौत लिखी, हुण ते हकीमां दीआं नब्ज़ां फड़नियां काम नहीं आनियां, अज डाक्टरां दे टीके काम नहीं आने, अज दवाइयां काम नहीं आनियां, अज तब तदबीरां नहीं चलन गियां, अज तकदीर दा जड़ा ए जनाब फायरे ना सीने दे अंदर ठुक जाना है, तकदीर दी गोली अज सीने अंदर ठुक जाएगी। इत्थों उठन जनाजे गबरू आंदे कल पैन लिबास फकीरां दा, इत्थों उठन जनाजे गबरू आंदे कल पैन लिबास फकीरां दा, इत्थों जाना पवे शहजादियां नूं इत्थे मंदा जहाल वजीरां दा, ते तदबीरां दे चारे तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जदों तीर वजे तकदीरां दा। ए ना समझिया जे साडी हले उम्र मौत वाली नहीं होई, उठाओ अखबारात उठा करके देखो, हजरात सोशल मीडिया ते वीडियोज जा करके देखो ना, हले कल बंदे दा जनाब वलीमा होया, निकाह होया, शादी हुई है, अगले दिन घरों बाहर किसी काम वास्ते निकले, एक्सीडेंट होया ते जान निकल जांदी है, इस तरह दी ते मौत हो रही ने। हले जनाब बड़े बड़े पैसों वाले, बड़िया बड़िया दौलतों वाले इस दुनिया तो जाते असी वेखे ने, बड़े बड़े जनाब पैसे मालो दौलत बैंक बैलेंस वाले, जेडे समझते ने सानू मौत नहीं आएगी, अज कबरां दे मेहमान बन चुके ने। और हजरात वेखो ना, अज बारिश का मौसम बने है, बारिश के इस मौसम के अंदर जदों बिजली लशकिया करती सी ना, कबरां दे अंदर जेडे तुहाडे रिश्तेदार पए ने, बिजली के लशक
ਡਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤਲੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਪੈਗਾਮ ਤਲਵੇ ਹੀ ਲੰਮਦਾਈ ਏ ਕਿ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਅਯਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਬਹਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਨਬੂਵਤ 'ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉਚੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉਚੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਜੜਿਆਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਸਫ਼ਰ ਬੜਾਈ ਲੰਬੇ ਰਾਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਦਫ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਲੋਕ, ਦਾਵਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਲੀਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਆਖਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ, ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਸਬਕ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਯਾਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਅਮਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਿਖੀਏ, ਗੁਨਾਹ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਤਨੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜ਼ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰੋ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਖਤਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ।
ऐ बंदा जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल मुआहदा कर ले फिर अल्लाह ताला दी तरफो रहमत हो जाती है, मालिक दी तरफो इनाम हो जाता है। अल्लाह ताला जिंदगी दे अंदर जितने गुनाह ने सारिया नू खत्म करके नेकी दी शाहराह दे उत्ते चला दें। ये मेरे मालिक दियां मर्जियां ने, जिन्हों हदायत दे ते दे दे, जिन्हों हदायत ना दे ते कायनात रल के उन्हों हदायत नहीं दे सकते। और एक और बात याद रखे जे कि अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे, खुद अपने आप को गुनाहों के दल चो निकालने की कोशिश नहीं करोगे दल दल चो, तो फिर अल्लाह ताला ने तुहानू इस तरह दल दल चो नहीं निकालना। हजरात आओ मालिक की तरफ, अयाम गुजरते जा रहे ने, साल गुजरते जा रहे ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दर त्याग करके अल्लाह नू मना लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ है कि अल्लाह ताला जो तक जिंदा रहिए ईमान से जिंदा रहिए, जो तक जिंदा रहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आफियत वाली इस्लाम वाली जिंदगी से जिंदा रखे, जो मौत आए तो जुबान ते कलमा शहादत जारी फरमाए। वा आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।